कोरोना के नाल लॉकडाउन की मार के नाल नाल लोगों को महंगाई की मार लगातार झेलनी पै रही है। तस्वीर थोनू बठिंडा के एक पेट्रोल पंप दे दिखाने, पेट्रोल ते डीजल की कीमतों में मुड़ तो वाधा होया। 29 पैसे जड़ा पेट्रोल दे विच ते 30 पैसे डीजल की कीमतों दे विच वाधा होया। लोगों को काफ़ी औखाइयों का सामना करना पै रहा, क्योंकि 1.5 साल तो वाधा समा हो गया। लॉकडाउन वख-वख स्टेटां दे विच लग रहा, करफ्यू लगता, तो लोगों के काम काज बिल्कुल ठप है। कुछ लोग भी इतने मौजूद है, उन्होंने गल करते हैं। सर, किस तरह की मुश्किल आ रही हैं लगातार पेट्रोल दिया रेटा के वाधा हो रहा? आम तौर नागरिक बहुत दुखी है। पहला कहना वधिया 200 बंदा घूम फिर लगा, हूँ तो कहना 500 रुपये चाहिए तेल वास्ते, कहना डेली का ही एक्टिवा एवरेज बड़ी घट दिंदे ने। महंगाई ना बहुत दुखी, लोग बहुत परेशान, आम पब्लिक नूं तो गरीब आदमी ये फसया हुआ, कहना हर छोटी चीज़ा ज़्यादा वरतों गरीब आदमी ही करता इन चीज़ों को। अमीर आदमी ने नहीं लोड़ पैनी चीज़ें महंगाई की मार। अच्छा, की होना चाहिए सरकार तो की मांग करती? सरकार तो ये हम नजायज टैक्स ला के तेल आर वगैरह तो नहीं लगाने चाहिए इन्हों, क्योंकि सरकार ही लगा रही है। तो पिछों तो बहुत सस्ता तेल है, हूँ अपना जिस तरह कोई ये बना रहे ने उस पब्लिक तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह की मुश्किल आदि जो पेट्रोल पवाण आने कि औखाई का सामना करना पैदा? बहुत ज़्यादा जी, हम सू दूरों आना पैदा पेट्रोल लैन वास्ते, असी इतों 5-4 किलोमीटर पैने कि बच्चों जी। लोगों को काफ़ी मुश्किल आ रही ने, कुछ होर लोग भी ने साडे नाल, उन्हां नाल गल करदे आं। सर, किन्नी कि मुश्किल आ रही, पेट्रोल लगातार वाधा जा रहा कीमत? पेट्रोल आज साडे वास्ते तो मजदूर वास्ते तो बहुत ही मंदभागी खबर है जी, बहुत ज़्यादा। 50 रुपये तो अगर 20 रुपये के तेल लाने जान करते पिंडों, हूँ 50 रुपये 60 रुपये के तेल लाने जान होंगे। जैसे यही करते भी रेट थोड़े बहुत घटा लैन जी, जिसे अभी माड़े मोटे सौखे हो जाइए जी, आमदनी घटी हुई है, रेट बधे पे है जी। बिल्कुल, आम लोग ने काफ़ी औखाइयों का सामना करना पै रहा, पेट्रोल दे डीजल दीयां कीमतां लगातार वधदियां जा रही ने। उन्होंने पेट्रोल पंप दे भी साडे नाल ने, सर जो पेट्रोल ते डीजलों के रेट आए दिन वधदे जा रहे ने, किस तरह थोड़े ते भी कोई फर्क पैंदा? हाँ जी बिल्कुल, जे साडे कस्टमर परेशान ने तो असं भी परेशान ने। हर बिजनेस नूं चलाने लई कस्टमर ही जरूरी है। बाकी जिहड़ी साडी इनवैसटमेंट है वह ऑलमोस्ट 40-50% वध गई है जिवें जिवें रेट वधे ने। तो सैकेंडली अपने जो कस्टमर तो पेमेंट भी है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल तो लॉकडाउन चल रहा है, प्लस हुण रेट भी 40-50% वध गए ने, तो पेमेंट बहुत स्लो आ रही है। जे पहला 20-30 दिन के अंदर आते थे, अब 40-50 ते इनफैक्ट 2-2 महीने तक पेमेंट नहीं आ रही है, उस करके भी बहुत प्रेशर बढ़ गया, साड़ी लागत बहुत बढ़ गई है। थर्डली जी वैपोरेशन होंगी है पेट्रोल डीजल की, वो वैपोरेशन की जी वैल्यू है, वह क्वॉंटिटी जी जिमें जिमें रेट बढ़ गया तो वो भी अमाउंट बढ़ रही है। ये 3 कारण करके सानू जोड़ा है कि भाई यह नुकसान हो रहा है, इस करके जो रेट्स बढ़े ने, तो यह इस चीज़ा की परेशानियाँ फेस कर पै रही सू। अच्छा, एसोसीएशन वालों किस तरह की मांग की जा रही है केंद्र सरकार से? देखो जी, बेसिकली यही है कि जोड़े रेट्स ने उदा ज़्यादा वधन का कारण जोड़ा है वो टैक्सेस है। टैक्सेस पिछले 1-1.5 साल तो गवर्नमेंट ने बहुत वधाते ने, जो कि ऑलमोस्ट अज की डेट च मतलब 60% तक टैक्सेस है ने। मतलब पिछले 1 साल 1.5 साल की तंगी नूं देखते हुए इन्ना टैक्सेस वधाना इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मतलब करंट सिनेरियो नूं देखते हुए सरकार नूं टैक्सेस थोड़े रैशनलाइज करने चाहिए ने, घटाने चाहिए ने। जी बिल्कुल, पेट्रोल पंप के मालिक है उन्होंने भी काफ़ी भारी लॉस हुंदा जदों पेट्रोल ते डीजल दीयां कीमतां वधदियां ने। अगर केंद्र सरकार 5 महीने दे विच करीब 43 वार पेट्रोल ते डीजलों दी कीमतां विच वाधा कर चुकी है, तो लोगों दे लक्क पूरा तोड़ के रख दिता, लोगों के बजट में काफ़ी इजाफा होया, लोगों का बजट बिल्कुल हिल चुकया। तो लोग मांग कर रहे ने, पेट्रोल पंप के मालिक मांग कर रहे ने कि पेट्रोल ते डीजलों के कटौती होनी चाहिए, रेट पूरन तौर पर सही होने चाहिए, ताकि लोगों की जेब तो जो पेट्रोल ते डीजल कोसों दूर ना हो सके। कुणाल बांसल, सांझा TV, बठिंडा। प्लीज सबसक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसे बिल्कुल भी मिस ना करो।